हाय दोस्तों, अगर आप प्लान कर रहे हैं हंटर बाय करने का तो आज इस वीडियो में मैं पॉजिटिव एंड नेगेटिव पॉइंट कवर करने वाला हूं। साथ ही साथ जो डाउट एंड क्वेरी आ रही हैं इसके लेके वो भी इस वीडियो में कवर होने लें। तो अगर आप बाय करने प्लान कर रहे हैं तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा ताकि सारे डाउट्स और सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो सकें। तो चलिए जानते हैं। तो दोस्तों, बिफोर स्टार्टिंग, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके टाइम टाइम आ सके। दोस्तों, स्टार्ट करते हैं पहले पॉजिटिव नेगेटिव पॉइंट से। तो पहले पॉजिटिव पॉइंट, मतलब पॉजिटिविटी फैलाते हैं एंड पॉजिटिव पॉइंट बात करते हैं। तो दोस्तों, पहले एक चीज़ बता दूँ कि बाइक शॉर्ट लुक बनाई गई है। आप अगर सिटी राइड के लिए प्लान कर रहे हैं और शॉर्ट राइडर हैं तो बहुत ही सही बाइक जो है। साथ ही साथ इस इंजन में पावर डिलीवरी अच्छी आ रही है। ये सेम आपको क्लासिक एंड मीटर में भी देखने मिलता है, बट इसमें जो है पावर ज़्यादा देखने मिलता है बिकॉज इसमें जो है थोड़ी बाइक लाइट है, लाइट वेट है, तो आपको एक्सेलरेशन, थ्रोटल और हैंडलिंग करने में बहुत ही सही जो है मजा आता है। साथ ही साथ सीट की कुशनिंग भी बहुत अच्छी है, मतलब जैसे आप बैठते हैं तो 0-0 कुशनिंग नहीं होती, कुशनिंग इफेक्ट जो है आपको देखने मिलता है। टेल का अगर देखें, टेल लाइट अच्छी दी हुई है, लुक दी हुई है एंड ब्रेकिंग कंट्रोलिंग भी अच्छी है। तो ब्रॉड टायर आपको देखने मिल रहा है। जो मेरे सामने है ये रेबल ब्लैक है, इसमें डैपर एंड फैक्ट्री सीरीज भी आती है और रेबल जो है सबसे टॉप वेरियंट जो है कहा जाता है। तो आप ड्यूल चैनल ABS भी आप देख रहे होंगे आगे एंड पीछे, एंड ब्लैक इंजन दे रखा हुआ है एंड ये पाउडर कोटेड है, ठीक है। साथ ही साथ इसमें ऑयल कूल सिस्टम जो है, काइंड ऑफ ऑयल कूल सिस्टम मैंने इसमें ऑलरेडी बना रखा है कि इसमें इंजन में जो है ऑयल कूल सिस्टम दिया हुआ है जिससे कि थोड़ा कूल आपको ज़्यादा मिलेगा। जो ऊपर हेड में ही जो है फिन से थ्रू जो ऑयल को है ट्रैवल किया जाता है जिससे कि ऑयल कूल सिस्टम जो है बनाया गया। मैंने इसमें डेडिकेटेड वीडियो बना रखा है, हालांकि ये फुल्ली ऑयल कूल सिस्टम नहीं है बट हाँ कंपनी ने कुछ एक ट्राई किया हुआ है इस इंजन के ऊपर। साथ ही साथ मीटियोर का सेम जो है इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दे रखा हुआ है जो कि आपको ऑलमोस्ट मैक्सिमम डिटेल दे देती है जो कि आपको बाइक में देखने मिलती है। खासतौर से गियर इंडिकेटर आपको मिल जाता है, आपको यहाँ से जो है आप ट्रिप ए ट्रिप बी ऑडियो जो है कर सकते हैं। फ्यूल इंडिकेटर दिया हुआ है, RPM और बाकी सब वार्निंग इंडिकेटर जो है यहाँ पर आपको देखने मिल जाते हैं जो कि बहुत ही अच्छा लगता है। आप यहाँ इसको हैंडल लॉक यहीं से जो है आप हैंडल लॉक भी कर सकते हैं, ये भी एक अच्छी चीज़ है। आपको जो क्लासिक टाइप में जो यहाँ से लॉक था वो नहीं दिया गया है। एंड दोस्तों, इसमें जो है आपको स्पीडोमीटर के वायर कहीं भी नहीं देखने मिलेगी बिकॉज ये स्पीडोमीटर जो है आई थिंक ABS से या ECU के थ्रू जो ले रहे हैं। यहाँ पर आपको वायरिंग आपको नहीं देखने मिलेगी, आप फ्रंट में देख सकते हैं, यहाँ भी नहीं दिख रही है, यहाँ भी नहीं दिख रही है। तो स्पीडोमीटर की वायरिंग जो है इसमें आपको नहीं देखने मिल रही है। एंड दोस्तों, अब जो मुझे बहुत सही लग रहा है वो है हैंडल असेंबली, जो अभी नई बाइक्स में आपको देखने मिल रही है, जो मीटियोर से स्टार्ट हुआ था, जो क्लासिक में भी आ रहा है। ये हैंडल असेंबली बहुत ही सही दी गई है, साथ ही साथ ये लीवर भी थोड़ा ब्रॉड कर दिया गया है जो कि बहुत ही अच्छा लगता है जब आप इसको चला रहे होते हैं और आपको ज़्यादा जो है अपने फिंगर्स में पेन भी नहीं होता है ज़्यादा अगर ट्रैफिक में भी चला रहे हैं। बहुत ही स्मूथली जो है आप इसको यूज़ कर सकते हैं एंड ये रेट्रो फील के जो स्विचेस हैं वो भी बहुत ही अच्छे लुक करते हैं। एंड रॉयल एनफील्ड ने जो इसमें कुछ और चेंजेस किए हैं वो है चेसिस में। 200 चेसिस जो आप देखेंगे यहीं तक आपको दिख रहा है, बॉटम साइड में चेसिस नहीं दिख रहा है। एंड इसमें मोस्ट रिकमेंडेड है कि आप इसमें समगार्ड यूज करिए, ज्यादा बेटर रहेगा क्योंकि इसका ग्राउंड क्लियरेंस भी थोड़ा कम है, 151 का है। एंड एक और चीज जो रेबल सीरीज और डैपर सीरीज में बहुत लोगों को डाउट आ रहा था वो था ये बेबरी का, बेबरी और ब्रैम्बो के डिस्क में जो है थोड़ा सा लोगों को लग रहा था, बट हालांकि उतना मेजर डिफरेंस नहीं है, बट बेबरी जो है बेटर है। ऑब्वियसली बात है, रेबल थोड़ा कॉस्ट दे रही है तो उसमें बेटर देने का एक चांस बनता है, बट ऐसा नहीं है कि ब्रैम्बो में कोई प्रॉब्लम आता है, तो यही डिफरेंस है। तो उसके लिए ज़्यादा कंफ्यूज नहीं है। अगर आपको डैपर का कलर पसंद है और सस्ता बाइक करना है तो आप डैपर भी ले सकते हैं, बट रेबल के अगर ब्रैम्बो चाहिए, अब ब्रैबरी चाहिए तो वो भी बेटर ऑप्शन है। तो दोस्तों, ये तो सुना आपने कि ये तो सबसे पॉजिटिव पॉइंट जो इस बाइक में बनाए गए हैं। अब बात करें अगर नेगेटिव पॉइंट्स की, इस बाइक में क्या क्या नेगेटिव पॉइंट है। तो पहले तो ये बाइक बहुत ही शॉर्ट बना दी गई है, हल्का सा थोड़ा सा और ब्रॉड किया जाता तो जो लंबे लोग हैं उनके लिए भी सही रहता। अगर मैं इसे बैठूंगा तो बहुत ही शॉर्ट बाइकें लगती है, लुक बहुत ही शॉर्ट लगता है इस बाइक का। एंड ये जो फुट पैक दिया हुआ है ये थोड़ा पीछे की तरफ दिया हुआ है, सेंटर के तरफ में, तो इसकी वजह से क्या होता है, अगर आपकी हाइट 5.8 प्लस है ना तो आपको ज़्यादा नी बैंड करना पड़ेगा, उतना कंफर्टेबल जो है आपको नहीं लगेगा। हालांकि सिटी में चलाने के लिए सही है बट हाईवे पर चलाने के लिए थोड़ा आपको डिस्कम्फर्ट जो है वो फील हो सकता है। एंड रेयर का सीट, ये जो रेयर सीट का जो डिफरेंस है ना, मैं अगर यहाँ तक बैठ रहा हूँ तो राइडर के लिए पीछे तक बैठना कंफर्टेबली, जब ये पॉप करते हैं तो गिरने के चांस ज़्यादा होते हैं, तो यहाँ पर आपको बैकरेस्ट कंपलसरी लगाना पड़ेगा। अगर आप थोड़ा सा अगर हेल्दी हैं तो यहाँ पर आपको बैकरेस्ट कंपलसरी हो जाता है। एक और चीज़ जो मुझे लगता है कि अब हाई टाइम है, अब रॉयल एनफील्ड को थोड़ा सा जो है अपनी क्वालिटी को चेंजेस करना चाहिए। ये जो मिरर्स जो दिए गए हैं ना, मिरर को चेंज करना चाहिए, बहुत ही ज़्यादा ओल्ड हो गए हैं और आई थिंक ये 10-12 साल से मिरर्स जो हैं वो चेंज नहीं किए गए हैं, ब्लैक और क्रोम में जो मिलते हैं। और हेडलाइट में जैसा मीटियोर में कुछ किया गया था ना, वैसा कुछ नया जो है DRL के साथ में
आपको हंटर में देना चाहता, हंटर में अगर देते तो बहुत सही रहता। ये जो न्यू राइटर आजकल सस्ती बाइक्स आती हैं उसमें भी आपको जो है DRLs मिल जाते हैं, तो मुझे लगता है कि रॉयल एनफील्ड को थोड़ा सा हेडलाइट पे भी वर्किंग करनी चाहिए। अच्छी दोस्तों, जो मैंने पहले वीडियोस में भी क्लियर किया है, जो सस्पेंशन है रेयर का, वो मुझे लगता है डिग्रेड करते जा रहे हैं रॉयल एनफील्ड अभी। चाहे वो क्लासिक हो, चाहे मीटियोर हो, चाहे अभी हंटर हो, सब में जो है ये हाइड्रोलिक एंड स्प्रिंग वाला सस्पेंशन दे रही है, इसमें नाइट्रिक्स नहीं है। अभी नाइट्रिक्स की वजह से क्या प्रॉब्लम आती है उसके लिए मैंने वीडियो बना रखी है, दोनों में क्या डिफरेंस होता है वो भी मैंने वीडियो बना रखी है। हालांकि बैटरी की अगर बात की जाए तो नाइट्रिक्स वाला बेटर रहता है, अगर आप टूरिंग भी कर रहे हैं, लॉन्ग राइड भी कर रहे हैं, तो नाइट्रिक्स वाला बेटर होता है। एक और छोटी कमी जो मुझे लगती है वो है ये इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर का। दोस्तों, इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर का लुक तो कुछ नया जैसा दे रखा है, बट ये स्पेस बहुत ही खाली लगती है। यहाँ पर हालांकि ऑप्शन दिया हुआ है आपको ट्रिपल नेविगेशन फीचर का, बट ट्रिपल नेविगेशन का जो है आउट ऑफ स्टॉक अभी चल रहा है, वो आपको अवेलेबल कहीं स्टोर में नहीं हो रहा है। तो इस स्पेस पे कुछ और चीज़ देना चाहिए था, ऑप्शन कुछ देना चाहिए था, ताकि थोड़ा लुक जो है वो अच्छा रहे एंड आपको थोड़ा चलाने में हो जाए। एक RPM का ही अगर दे देते तो भी बेटर होता। दोस्तों, आपने देखे नेगेटिव एंड पॉजिटिव पॉइंट दोनों ही, ज़्यादा नेगेटिव पॉइंट नहीं है। हालांकि बाइक बहुत ही सही है, लाइट वेट है, अच्छा टोटल रिस्पांस मिल जाता है, अच्छा पिकअप मिल जाता है, स्ट्रीट फाइटर जैसा वर्क जो है करता है। न्यू रेट्रो कॉन्सेप्ट है बाइक, बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्ट से बनाई गई है, और ट्यूबलेस टायर अलॉय व्हील्स भी आपको मिल जाते हैं, जो कि बहुत ही सही बात है। अब हम बात करते हैं जो कॉमन डाउट एंड क्वेरीज आ रही हैं, वो है ग्राउंड क्लियरेंस को लेके। दोस्तों, ग्राउंड क्लियरेंस को लेके बहुत ज़्यादा लोगों को डाउट रहा है, 151 दिया हुआ है। बट एक चीज़ मैं क्लियर कर दूं, अगर आप इसको राइड करते हैं ना तो उतना मेजर डिफरेंस आपको नहीं फील होगा। व्हील बेस बहुत ही कम है, तो उसके वजह से प्रॉब्लम नहीं आएगा ग्राउंड क्लियरेंस का। आप आराम से जो है कोई भी स्पीड ब्रेकर जो है टप सकते हैं। और जब भी आप इसको ले रहे हैं तो टेस्ट राइड जरूर करिए। जो लॉन्ग आदमी है, जो 5.8 प्लस है, 5.7 प्लस है, तो मैं वैसे उनको बोलूँगा कि एक बार टेस्ट राइड करने के बाद में ही, अपना कम्फर्ट लेवल चेक करने के बाद में इसको बाय करिए। बाकी गाड़ी थम्सअप है, सिटी राइड के लिए मैं जरूर रिकमेंड करूंगा इसको। अगर आप क्लासिक या मीटियोर बाइक कर रहे हैं तो फर्स्ट इसको भी एक बार कंसीडर कर सकते हैं। और लुक भी बहुत ही सही रॉयल एनफील्ड ने बनाया गया है, और 350cc के इंजन के साथ में 2 लाख के अंदर बाइक दे रही है, वो भी बहुत ही अच्छी चीज़ है। आई होप दोस्तों आपको कंप्लीट डाउट क्लियर हो चुका होगा। फिर भी कोई डाउट एंड क्वेरी है, कमेंट सेक्शन टोटली ओपन है, वहाँ पर कमेंट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। अगर चैनल को फॉलो नहीं किया हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, लाइक करते हुए जरूर जाइएगा। ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, और देखते रहिए ब्लॉग को। ऐसी बहुत सारी वीडियोस अपडेट जो आपके लिए आती रहेंगी। बाय। Thank you.